हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज है सावन सोमवार व्रत, तो उसी के हिसाब से हम एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि हम किसी भी व्रत में इसे बना के खा सकते हैं और बहुत ही सिंपली तरीके से ये बन के तैयार होगी। तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। तो शुरू करते हैं बनाना फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले लेनी है हमें लौकी। हमने एक लौकी लेनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि लौकी हमारी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, और जब भी आप लौकी लेने जाएं तो उसमें नाखून से लगा के देख लीजिए। अगर लौकी सॉफ्ट होगी तो नाखून आसानी से चुभ जाएगा उसमें। तो लौकी में बीजे नहीं होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट लौकी होनी चाहिए हलवा बनाने के लिए। अगर लौकी टाइट होगी, पुरानी होगी, काफ़ी दिनों की होगी तो हलवा हमारा पकेगा नहीं। तो इसलिए इस बात का बहुत ही ज़रूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो अब हम लौकी को छील लेंगे। छीलने के बाद अच्छे से धुल लेंगे साफ पानी से, और जिस कद्दूकस कर लेंगे, जिस साइड बारीक वाला होगा उस साइड से हम लोग लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हम बारीक साइड से लौकी को ग्रेट कर रहे हैं। तो हम इसको कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे सारी लौकी को फ्रेंड्स। ये हलवा बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। और आप कोई भी व्रत रख रहे हैं तो उस व्रत में आप इसे इजली बना के खा सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि वगैरह हुआ आप उसमें भी बना सकते हैं। तो लौकी हमारी कद्दूकस हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब इस तरह से हम हाथों में लेके इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड शेयर करें और बेल ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर करें। तो हमें सारी लौकी का पानी निकाल देना है, हाथों में ले करके दबा दबा के सारा पानी निकाल देंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस पर रख देंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, और हम इसे देसी घी में बनाएंगे। तो देसी घी गर्म होने के बाद हम उसमें अपनी सारी लौकी डाल देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे चलाते हुए फ्रेंड्स। चलाते हुए हमें भून लेना है इसको, और अभी हम इसमें ना चीनी ना दूध कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद 2 मिनट तक हम इसे ढक के पका लेंगे ऐसे ही, उसके बाद में जो भी ऐड करना है करेंगे। लौकी का हलवा बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे किसी भी व्रत में बना के खाइए, बहुत ही स्वाद अच्छा होता है। इसके खाने के बाद आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो आप इसे जैसे सावन का सोमवार हुआ, नवरात्रि हुआ, कुछ लोग जैसे कि बृहस्पति या शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो आप लोग इसे उस व्रत में भी बना के खा सकते हैं। तो अब हमारी लौकी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब हमने इसमें 1/2 गिलास दूध डाल दिया है। दूध हमने मलाई वाला डाला है, जो हम लोगों के घर में रोज़ दूध आता है वही दूध हमने यूज़ किया है। तो हमने इसमें 1/2 गिलास दूध ऐड किया है, और मलाई दूध के ऊपर जो मलाई पड़ जाती है वो मलाई मैंने डाल दी है। तो अब हम इसको चलाते हुए पका लेंगे, थोड़ा सा दूध जल जाए तो हम बाद में चीनी ऐड करेंगे। दूध सारा जल चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 4 चम्मच चीनी डाली है। आप लोग जैसे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, अगर कम करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी निकलेगा तो कोई बात नहीं, हम इसको चलाते हुए फिर से थोड़ी देर पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो जो चीनी से पानी निकला है तो वो सब सूख जल जाएगा और फिर हमारा हलवा एकदम रेडी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, चीनी डालने पे पानी पानी सा हो गया है थोड़ा बहुत। अब हम इसको ऐसे
मैंने कई व्रत की रेसिपीज की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और बनाइए व्रत में और इन्जॉय करिए। हलवा का सारा पानी सूख चुका है, तो थोड़ा बहुत और हम इसको भून लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हलवा हमारा। तो सारा पानी सूखने के बाद ये देख सकते हैं कितना टेस्टी और यम्मी सा हलवा बना है हमारा, और हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इस पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश करेंगे। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं पसंद हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जो भी मतलब आपको सिंपल ऐसे ही खाना है तो ऐसे ही खाइए। अगर ड्राई फ्रूट पसंद हैं तो वो आप डाल लीजिए। हमने थोड़े से बादाम और थोड़े से किशमिश लिया है, बादाम को बारीक सा काट लिया है और किशमिश डालकर गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा आ रहा है लुक हमारा हलवा, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी है। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो आप लोग व्रत में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय।